वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज ये मेरी दिन की दूसरी वीडियो है और बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि फाइनली सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फाइनली 6 बजे आने वाला था, 6 बजे से आंखें टिकाए बैठे हुए थे अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन वो 6:30 ही हो गया, ऑलमोस्ट 6:30 से ज़्यादा हो गया। बट कोई बात नहीं, फटाफट से ट्रेलर देखते क्योंकि मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। लेट्स प्ले। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदता युद्ध सभा नाम का पांडवस जय किम कुरुव संजय। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। भाई प्यारी लग रही है। साल पुराना एंटीक था। Thank God, मुझे ऐसा लगा नया था। क्या हुआ? हो गया शादी से पहले तो प्यार हो गया। मैं आपको भाईजान बुलाऊं तो आपको अच्छा लगे? अब नहीं, उससे जान कोई जान देता है कोई जान लेता है। पावर। ये सरप्राइज अच्छा था। वायलेंस। बाप रे। मेरे भाई जो है ना मेरे अन्या, he hates violence। ससुराल तुमने सवार लिया है, अब हम सवारेंगे मायका। She's dearest to me। इसका ख्याल रखना। जान से भी ज्यादा। मुझे एक एक की चीख सुननी है। इंसानियत के नाते मैं इंसानियत का साथ दूंगा। ये राउडी है ना कौन? ये वायलेंस नहीं है भाग्य, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। नैया ने मुझको अपना सरनेम दिया गुंडा मैनिनी, और मैनिनी के पहले आता है गुंडा। जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। इनके लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। पावर नहीं, विल पावर। इंसानियत में बड़ा दम। वंदे, आई एम रेडी। Bring it on. Bring it on. 21st April. Oh my God, भाई साहब कितना अच्छा ट्रेलर था। पूरे ट्रेलर ने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओ बाप रे, कहाँ से स्टार्ट करूँ? इतना एक्साइटमेंट हो रहा है ना कि जल्दी से मूवी रिलीज हो और जल्दी से मैं जाऊँ देखने के लिए। बहुत ही अच्छा था यार, बहुत ही अच्छा। मतलब रुको 2 मिनट, दो कहाँ से स्टार्ट करूँ। सबसे पहले तो फाइट सीन्स, वाओ। मतलब एक तो सलमान खान इसमें बहुत ही ज़्यादा फिट भी लग रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब अभी जैसे हमने एक था टाइगर देखी थी और भी मूवीज़ देखी थी, पर इसमें मुझे लग रहा है कि वो उन मूवी से ज़्यादा फिट और कितने हैंडसम लग रहे हैं। चाहे वो लंबे बाल हो चाहे वो छोटे हो, छोटे बालों में तो अच्छे लगते हैं पर लंबे बाल भी कितने अच्छे से कैरी करा है उन्होंने। और पूजा हेगड़े कितनी प्यारी लग रही है, उनको बहुत क्यूट सा कैरेक्टर दिया हुआ है। और जो इनमें इनके भाई बने हुए हैं जो साउथ के एक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो इनके भाई हैं, टीज़र भी मुझे लगा था कि शायद उनके पेरेंट हैं, बट नहीं है ऐसा। एंड आई रियली लव्ड, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है इसकी मूवी की।
और ये बहुत ही अच्छी जाने वाली है, आई एम वेरी श्योर. बहुत ज़्यादा क्रेज होगा इसका, आई एम वेरी श्योर. जैसे जितना पठान का था ना, ये पठान का मुझे लगता है ये रिकॉर्ड तोड़ ही देगी, ये ज़रूर तोड़ेगी, क्योंकि सलमान खान के फैंस बहुत है एंड सलमान खान जैसा कोई नहीं है. और क्या बोलूँ, गाने भी इसके बहुत अच्छे हैं. मेरा पर्सनल फेवरेट है उसमें से बिल्ली बिल्ली आँख, और कौन सा मूवी का गाना है, आई गेस आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, ये दो गाने मेरे फेवरेट हैं. और येंतम्मा भी, हाँ, जो अभी रिसेंट आई, येंतम्मा सबसे फर्स्ट पे है एक्चुअली. तो ये तीन गाने मेरे लिए बहुत फेवरेट है. और पता है क्या, जब आप हॉल में देखते हो ना, तो बहुत ही मज़ा आता है मूवीज़ देखने में, और स्पेशली जब आप अपने किसी फेवरेट एक्टर की कोई फेवरेट मूवी जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वो देखने में बहुत मज़ा आता है. तो मैं तो ये वहीं देखने वाली हूँ. 21 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत वेट कर रही हूँ ईद का, क्योंकि मूवी आने वाली है. एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को मेरी आज की रिएक्शन वीडियो भी अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और सलमान खान के फ़ैन हो, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आई एम ऑल्सो हिज, मतलब मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बचपन से स्कूल टाइम से. एंड या तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.